हे गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको PS5 के डुअल सेंस कंट्रोलर के बारे में बताने वाला हूँ। तो कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है इस PS5 के कंट्रोलर्स का, जो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है। कुछ इसके नेम के ऊपर जो है वो कंट्रोवर्सी चल रहा था, और हो सकता है कि सोनी जो है वो कोर्ट के बाहर ही इसको सेटलमेंट कर दिया हो, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सोनी के जितने भी PS5 है उसके पेरिफेरल्स है वो अगले महीने जो है वो नवंबर 12 को जो है वो हो सकता है इंडिया में लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि सोनी के तरफ से जो है वो इंडिया प्राइस जो है वो रिवील कर दिया गया है इन सारे पेरिफेरल्स एंड PS5 का। उस पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसको अगर आपको देखना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, ये जो PS5 का कंट्रोलर है ये काफ़ी बेहतरीन एक अलग डिज़ाइन अलग ग्रिप के साथ जो है वो लाया गया है। काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो आपको क्रिएट करेगा, वाइब्रेशन ये सब जो है वो बहुत ही अच्छा और एग्रेसिव दिया गया है, जो पिछले वाले वेरिएंट में जो है वो नहीं दिया गया था। और इस बार जो है वो बैटरी भी काफ़ी अच्छा दिया गया है इस कंट्रोलर में। आपको इसमें 1560 mAh का बैटरी मिलता है, जो पिछले वाले वर्जन में जो है आपको 1000 mAh का बैटरी मिलता था। तो उससे लगभग 50% जो है वो ज़्यादा अपग्रेड किया गया है, और इसमें जो है आपको 1560 mAh का बैटरी दिया गया है। तो बैटरी ज़्यादा दिया गया है, तो आपको जो है वो बैटरी बैकअप भी जो है वो ज़्यादा मिलने वाला है। और डुअल सेंस कंट्रोलर जो है वो PS5 बोल रही है, तो डुअल सेंस से जो है आपको एक स्टेबल कनेक्टिविटी मिलेगा, जो बार बार जो है वो डिसिंग की ये सब का जो वो इशू नहीं होगा, कोई इरर आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। और गाइज, अब जो है वो रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है कि ये जो कंट्रोलर है वो विंडोज़ में कॉम्पैटिबल है और एंड्रॉयड फ़ोन्स में कॉम्पैटिबल है और PS5 में कॉम्पैटिबल है। और इसको चेक किया गया Xbox X एंड Xbox S एंड PS4 में, तो उन सभी में कॉम्पैटिबल नहीं है, उन सभी में जो है ये वर्क नहीं करता है। हो सकता है PS4 में आगे जाकर वर्क करने लगे, कुछ जो है वो अपडेट किया जा सकता है आगे सोनी की तरफ से, और अगर अपडेट किया गया हो तो आप जो है वो PS5 के कंट्रोलर को भी जो है वो PS4 में यूज़ कर पाएंगे। सो गाइस, कुछ टेक यूट्यूबर जो है वो उसको भी इस PS5 के कंट्रोलर को टेस्ट किए हैं, तो जब इसको विंडोज़ में यूज़ किया गया तो वाया USB जो है वो ये वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी जो है वो फील हो रहा है, और सभी कुछ जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, सारे बटन्स वर्क कर रहे हैं। उसमें गेम भी जो आप खेल पाएंगे PS5 के कंट्रोलर के थ्रू आप अपने PC में वाया USB केबल, और अगर आप अपने फ़ोन में इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो ब्लूटूथ के थ्रू आप जो है वो फ़ोन में यूज़ कर पाएंगे, और फ़ोन में जो है वो ब्लूटूथ के सेक्शन में ब्लूटूथ गेम पैड बनकर आ जाएगा, उसका नेम जो है वो ब्लूटूथ गेम पैड आएगा, और आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स टैबलेट्स ये सब में जो है आप इसको यूज़ कर पाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन है। सो गाइज, एक जो है वो ये फ्यूचरिस्टिक एक आपको कंट्रोलर मिलता है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट ये सब भी मिलता है, जो विंडोज़ PS5 और एंड्रॉयड तीनों में जो है वो कंपैटिबल है। बट अगर आप इसको एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर रहे हो और उसमें आप कोई गेम खेल रहे हो जिसमें ज़्यादा जो है वो गन्स ये सब का जो है वो फर्स्ट पर्सन शूटर टाइप का जो है वो गेम खेल रहे हो, PUBG टाइप का गेम, तो उसमें जो है आपको वो फील नहीं होगा जो PS5 में खेल रहे हो, क्योंकि जो वाइब्रेशन ये सब जो फील होता है, इम्पैक्ट जो फील होता है, वो आपको फ़ोन में कनेक्ट करने के बाद जो है वो ना ही आपको वाइब्रेशन फील होगा, ना ही आपको जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिलने वाला है फ़ोन के थ्रू। बट इसको अगर आप PS5 में कनेक्ट कर खेलते हैं तो आपको जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सो गाइस, काफ़ी अच्छा जो है वो ये कंट्रोलर बनाया गया है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी लाया गया है और वाइट कलर में लाया गया है। हो सकता है आगे चलकर कुछ नए स्किन्स ये सब जो है वो इन सभी के कस्टम जो है वो बन जाए। सो गाइस, ये काफ़ी अच्छा कंट्रोलर है और इसका प्राइस रखा गया है 5,990 rupees। तो देखते हैं आगे क्या होता है, सोनी कब तक इसको इंडिया में लॉन्च करती है। और गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।